ये झंडा उल्टा लगाता है, हरा कलर नीचे होता है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। क्या हुआ, फंस गई क्या? फंस गई, देखो जरा ट्राई करो। हटो हटो, कोशिश कर ली बहुत ज्यादा पर नहीं हो पा रहा। गुड मॉर्निंग, आज अपना नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या सीन होगा, बाइक में ना देखो यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, तो इसको पहले मैकेनिक पे लेके जाते हैं। पंकज तो अपना क्लच वायर सही करवा के आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ये भी धो दिए थे, इसको उल्टा डाल देता हूँ, सूख जाएगा। मैकेनिक के पास चलते हैं क्योंकि ये चीज़ करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भाई कानून बहुत सख्त है, तो कानून तोड़ने पे बहुत महंगा चलाने है। ये भी मैकेनिक की दुकान चीता चौक है, था वहाँ पे मिल गया, तो अभी ज़रा इसको चेक कराता हूँ और एक दो केन ले लूँगा, क्योंकि आज जहाँ जाना है वहाँ पे पेट्रोल पंप शायद नहीं है, तो मैं आज रिस्क नहीं लूँगा। दूर दूर तक नहीं है, सबने लिया है साथ वालों ने, तो मैं भी कैरी कर लेता हूँ आज। टच देख लेना और चेन साफ करके इसकी ऑयलिंग वॉलिंग कर देना बस, और जो नीचे से ऑयल निकल रहा है एक ये देख लेना बस। मैं एक जगह जा रहा था तो फ़िलहाल मेरी नज़र पड़ी किसी चीज़ पर, तो मैं ज़रा इनको बोल देता हूँ। देखो झंडा कैसे लगा रखा है इन्होंने, हाँ जी ये झंडा सीधा लगा लो, कोई आएगा तो आपको और बोलेगा। ओए मेरे भाई आराम से, ये झंडा उल्टा लगाता है, हरा कलर नीचे होता है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ये चीज हर किसी को पता होनी चाहिए भाई, चाहे ये कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। मेरी एकदम नजर पड़ी, मैं यार झंडा उल्टा लगा रखा है, चलो झंडा उल्टा लगा रखा, मैं जाके उसको करवा के बोलकर भी आ गया कि भाई ये तो बेसिक चीज़ है जो हर किसी को पता होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मोबाइल होल्डर की तलाश जारी है, मोबाइल होल्डर कहीं नहीं मिल रहा है और काम लगता है ऐसे ही चलाना पड़ेगा, कोई शॉर्ट कट नहीं, बीच में एक बार ट्राई मार लूँगा। तो ज़रा आगे पेट्रोल पंप तो है नहीं, अब पेट्रोल यहीं से डलवा के चलेंगे, दो के नहीं ना फ्री अपने लिए, पावर वाला ही है, पावर देने का बहुत जबरदस्त। ओ हमारी हमारी बाइक यूँ भागेगी, यूँ यूँ करते यूँ चलेगी, थोड़ा बहुत पड़ता है। रस्सी बांधने का स्टाइल देखो, साला कोई खोल भी नहीं पाएगा, मैंने तो केन ऊपर ही बांध ली है, मेरे को थोड़ा सपोर्ट भी देगी, बट पेट्रोल गिर रहा है इसमें से, यार इसमें से पेट्रोल गिर रहा है। ऐसे तो मैं गरीब हो जाऊंगा, अभी अमीर हूँ। तो जो आज की हमारी ड्राइव होने वाली है वो होने वाली है हानले तक, और हानले ले से है 250 समथिंग कुछ किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम हानले चलेंगे, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, रास्ता एकदम टापम टाप है। सो करूँगा, मेरे को शॉप तो मिली बट मोबाइल होल्डर नहीं मिला, तो मेरे को सेकेंड हैंड इनका बाइक का उतार के ये लगवाना पड़ेगा अपनी बाइक में। सेकेंड हैंड भी मेरे को यहाँ इतना महंगा मिल रहा है, 300 रुपये का। हाँ क्लैंप से काट दो तो उसे वो वैसे ही जुगाड़ होगा, सिर्फ अपना वाला हटवा दिया है क्योंकि चार्जिंग के बिना तो काम चल नहीं पाएगा, सब कुछ हो गया और आगे बारिश बता रहे, तो अभी से ही मैंने रेन कवर पहन लिया। तो अपना तो वैसे अभी तक फिलहाल किसी ने कोई पास देखा नहीं है, परमिट भी नहीं देखा किसी ने। ओ भाव डाउन टू अर्थ वाला रोड आ गया, बाइक ही बंद कर दी क्योंकि जितना पेट्रोल बचा सकते मैं उतना पेट्रोल बचाऊँगा, आगे कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। बारिश आ गई और पड़ ही रही है बारिश, मुझे लग रहा है गोप्रो अंदर रखना ही पड़ेगा, कहीं पर रोकता हूँ साइड में जाके कहीं, क्योंकि यहाँ पर रोकना भी रिस्की है, बारिश आ रही है और ऊपर से पत्थर गिर गया, तो हो गया जय श्री राम, आगे चलता हूँ कहीं पर रोकता हूँ पहले। तो तेज हो गई तेज हो गई तेज हो गई तेज हो गई, लगा देता हूँ साइड में, पहले सामान रख लेता हूँ अंदर। बारिश तो आ ही गई, पीछे करियो रजत एक बारी, पीछे करियो,
लाल जो तिरपाल ली थी उसको काट के आधा कर दिया ताकि वाटर प्रूफ बना रहे सामान। बारिश बड़ी तेज लग रही है और ठंड भी ठंड लग रही है, सबसे सामान वामान तो पूरा ढक गया है। आ गए यहाँ पे, ज़रा अभी हम चाय पी लेते हैं। यहाँ तो सब ज़रूरत है। ओ तो कैफेटेरिया में चाय पीते हैं भाई, मैं तो राजमा चावल खाऊंगा, भूख लग रही है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि तुम भीगो, वेस्ट ऑफ मनी सच्ची में यार। मेरे को लग रहा है कि मैं इसमें भी भीग रहा हूँ। तो बारिश तो रुक गई है भाई, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो यार चलें। तो भी सीन क्या था, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम रुक गए थे, बट अब बारिश रुक गई है और मौसम खुल गया है, सामने इधर भी खुल रहा है। तो वापस हम जा रहे हैं अभी निकालने के लिए, कोशिश करेंगे कि आज ही हाल में पहुँच जाए। चलो अब अभी निकाल लेते हैं, रुको रखते निकाल ली निकाल ली। अरे जय वाटर क्रॉसिंग, जय वाटर क्रॉसिंग। मन नहीं भरता क्या तुम्हारा हमसे? अब यहाँ से गए, अब यहाँ से सारी ऑफ रोडिंग है। अभी तक तो रोड सारा सही मिल रहा था, बट अब ज़्यादातर ऑफ रोडिंग है। तो वो पीछे तो रुक गए, पेट्रोल डाल रहे हैं, अपनी बाइक हल्की कर रहे हैं। मेरी बाइक पे वेट ज़्यादा नहीं है तो मैं इसलिए चल रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ राइड। और अभी फ़िलहाल बारिश रुक गई है बट लेकिन सर्दी लग रही है, अब एक रात भी गीले हो गए, चलते चलते अपने आप सूख जाएंगे। अरे भाई साहब यहाँ से निकलने गलती जा रहा था भाई मैं तो। तो इन्होंने बता दिया तो भी क्या हुआ, फंस गई क्या? फंस गई, देखो जरा ट्राई करो। तो निकलवाते हैं पहले, रुको गाड़ी फंस गई है। चल मेरे भाई, पीछे ले पीछे पीछे ले पीछे ले पहले, हाँ हल्का सा पीछे ले। तो यार ये गाड़ी तो यहाँ फंस गई है, कोशिश कर ली बहुत ज़्यादा पर नहीं हो पा रहा, तो इसमें चेन लगानी पड़ेगी। हैं हाँ बाइक निकालता हूँ मैं, हटाता हूँ एक मिनट। बुरी फंस गई है यहाँ तो गाड़ी, यहाँ से मैं पहले बाइक निकाल लेता हूँ।
बाइक निकालना भी बड़ा मुश्किल है यार। सो भाई धक्का मार के गाड़ी निकल गई है, तो चलो हम भी चलते हैं। मैं नहीं भिगरा, अब विंटर के ग्लव्स पहन लिए, वाले गीले हो गए और चलो उनमें ठंड लगने लग गई है। काश अब रोड ऐसा ही मिले यार। चलो आधी बाइक घुस गई पानी में, तो थोड़ा सा साइड सीन के लिए रुक गए थे और रुकते ही ठंड है यहाँ पे ज़्यादा लगने लग गई है। चल भाई चलते हैं यार, बाइक पे ही ज़्यादा सही थे हम। जय श्री राम। चलो बाइक पे चले। बस हमारा यहाँ से रह गया है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तो अपना हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में हो जाएगा अगर रोड ऐसी है तो। ये ऐसा लग रहा है कि अभी फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है और ये नियामे था ना, नियामे विलेज आ गया है। अभी यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और पीछे जो अपने 4-5 साथी हैं उनका भी इंतज़ार कर लेते हैं, अगर नहीं आते वो थोड़ी देर में तो हानले की तरफ कंटिन्यू करते हैं। बट आप नज़ारे देखो यार, पीछे पहाड़ कैसे बर्फीले पहाड़ हो रखे हैं इस टाइम पे ही। और कल उमंगला जाएंगे तब क्या होगा, तब तो और भी एक्साइटमेंट है यार अभी तक जाने के लिए तो। और हाँ भाई, सबसे मेन बात जो मैंने आज पूरे दिन में कभी बोली ही नहीं यार, शायद तब से आपने ये बात सुनी ही नहीं होगी, तो गौर से सुनना भाई, मैं बता देता हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। यही नहीं, अभी और सुनिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो भाई रिक्वेस्ट है, देखो एज अ ट्रैवलर मैं आपके लिए इतनी दूर आता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ, तो एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है आपका भी कि भाई बेल आइकन दबा दो ताकि हाँ मुझे भी लगे कि लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं, मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँ। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये कैसी दिल्ली की सड़कें आ गई रे, क्या है ये, देख रहे हो कितनी रात हो रही है और हम 1 2 3 4 5 हमारे पांच बट हम राइडर 6 हैं, तो हम अभी हालने की तरफ ही जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा ये ख़राब रोड आ गया, अब पता नहीं कितनी देर तक के लिए अभी है। सुबह फाइनली सुबह से ट्रैवल करते करते अभी पहुँच गए हानले, और हमने हानले में लिया है होम स्टे मेरा। तो ये पर पर्सन पड़ा हमें 800 रुपये का और अभी बिल्कुल मूड नहीं है, तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, कल चलेंगे उमंगला। तो बाय बाय, टाटा।